हमने बात की थी कि वित्त आयोग जो है, पहले हम वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन कहा जाता है, यह अनुच्छेद 280 में। फाइनेंस कमीशन कहेंगे ना अंग्रेजी में, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्त आयोग जो है आपका अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग के बारे में लिख लेते हैं। दरअसल होता क्या है, वित्त आयोग के बारे में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बारे में पढ़ा। तो संघीय सरकार और राज्य सरकारों में एक बड़ा मसला होता है कि उनके बीच राजस्व का, वित्त का, धन का कैसे बंटवारा हो। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी पूरे देश के संसाधन है, ठीक है, वह बटे हुए हैं राज्यों में है कि राज्यों के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य कैसे बंटवारा हो जिससे सरकारें चलाई जा सके। तो उस बंटवारे को लेकर वित्त आयोग का गठन किया जाता है कि कैसे संघ और राज्य में धन का एक प्रकार से आप समझे बंटवारा होता है। तो एक केंद्र और राज्य में हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया कि पंचायती राज गठित होता है, उसके वित्त आयोग का गठन अलग से बात की गई, अनुच्छेद मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग जो है आपका अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब ये होता है, अर्ध न्यायिक कहने का मतलब ये होता है कि वह किसी को भी समन भेज सकता है, बुलावा भेज सकता है और कुछ पूछने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। इसका गठन जो होता है, इसका गठन वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष होता है। गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष। अच्छा, ये इन्फॉर्मेट आप देखेंगे कि लगभग वही आ रहा है कि जैसे आपके आपके यहाँ योजनाएं बनती है ना, 5-5 वर्षों के लिए योजनाएं होती है, तो ये 5 वर्षों के लिए संस्तुतियां की जाती है। इसकी संरचना अगर हम देखें, गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, संरचना अगर देखें तो संरचना में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य, 4 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। और इनकी, इन लोगों की जो नियुक्ति है, अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति है, इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मतलब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनकी योग्यता जो होती है, योग्यता संसद निर्धारित करती है। योग्यता या जो चयन की विधि है कि कैसे उनको चयनित किया जाएगा, उसका निर्धारण संसद करती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है, योग्यता का निर्धारण संसद करती है। और वेतन भत्ता और जो तमाम सेवा शर्तें हैं वह राष्ट्रपति निर्धारित करता है संसद की अनुमति से, संसद के उनको परमिट करती है, उसके द्वारा राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और जो वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट बनाता है, यह रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और वो संसद के पटल पर रखता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जो इसकी प्रकृति होती है, जो रिपोर्ट की प्रकृति होती है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट वो देंगे, ठीक है, जो भी सिफारिश देंगे वह क्या होगा? सलाहकारी होगी रिपोर्ट, इनकी क्या होगी? सलाहकारी होगी की रिपोर्ट, सलाहकारी, मतलब राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होगी वह सलाहकारी प्रकृति की होती है, मतलब राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और इनका कार्यकाल जो होता है, संरचना जो होगी, रिपोर्ट, कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करता है कितने वक्त तक ये लोग कार्य करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित, जनरली 5 वर्ष का होता है, और अभी जो नए नियुक्त किए गए हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एनके सिंह।
सेकेंड से सेम। क्या हो गया? जो आप खेल रहे हैं आप लोग ना, किसी ने कहा है ना कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया, नए खोइए न समझे नदी का पानी उतर गया। तो इनके सीन क्या है, ये सब खेला बंद कर दीजिए। तो इनके सीन क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ? मैं बाहर निकाल दूंगा अगर कोई बदतमीजी करेगा। इस चीज का ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रखे। मैं ध्यान नहीं रखता हूँ कि कॉलेज अभी कोचिंग है, मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ और सिर्फ डिसिप्लिन रहनी चाहिए, बात समझ रहे हैं, क्योंकि क्लास मिली है। इस चीज का आप ध्यान रखें। आपके जो क्वेश्चन है मैं जवाब दूंगा, चाहे जितने क्वेश्चन आप दूंगा, नहीं मिलेंगे मैं खोज कर जवाब, मतलब सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखें, क्लास की जो मर्यादा है, ठीक है? और क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, ये सब ऐसे सीखा जा सकता है आसानी से, रिलैक्स मूड में सीखा जा सकता है। आप लोग तनाव लेकर पढ़ने वाले लोग हैं, जनरली आपके सिर पर तनाव रहता है कि आ जाए, याद हो जाए, रट जाए, सब भूल जाएंगे, और जब कयामत का दिन, एग्जाम का दिन आएगा और सब हो जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्स होकर उसको सीखा कीजिए, आप लोग वो प्रक्रिया लाइए, समझ रहे हैं ना? और सिंपल सी बात कह दिया, एक से चार, एक अध्यक्ष होगा, चार सदस्य होंगे, ठीक है? अर्ध नागरिक होता है, मतलब किसी को बुलाव मिल सकता है, प्रथम अध्यक्ष जो किसी नियोगी थे, 15वें एनके सिंह है, ठीक है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रकृति सलाहकारी होती है, मतलब मानने के लिए बात है नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ रखा नहीं। पहला वित्त आयोग जो है 1950 में गठित हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट थी 52-57 के लिए, ठीक है? तो कैसी नियोगी थी, इतनी सारी बातें हैं। 51-52 के दौरान कैसी नियोगी की नियुक्ति की गई, और उसकी संस्तुति 5 वर्ष के लिए होती है, तो 52-57 जैसे जो इनके कमेटी गठित, वित्त आयोग गठित किया गया है, इनकी जो रिपोर्ट माननी होगी वह 2020 से 2025 के बीच होगी, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें वित्त आयोग के बारे में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है?